हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 6 का बच्चों गणित हम करेंगे, तो आपका फर्स्ट चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी। इसी चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, कुछ हमने बेसिक चीजें सीखी थी प्रीवियस सेशंस में, उसके आगे की चीजें हम करेंगे। तो बेसिक चीजें क्या थी, एक बारी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने यहाँ पे सीखा है। तो बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने सीखी है वो है जो आपके अवरोही और आरोही क्रम में लगाना संख्याओं को। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे इनको अरेंज करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से। तो बच्चों, यहाँ पे आप जो चैप्टर कर रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी, ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक चीजें कवर की थी और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे इसके आधार पे। अब बच्चों, हम डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है। तो हमने ये चीज यहाँ पे कवर की थी कि भाई आपको अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में आप स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, या फिर जो भारतीय संख्याकन पद्धति है उसमें आप स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये चीज आपको बतानी थी बच्चों, है ना। तो हमने कुछ इसके आधार पे क्वेश्चन भी किए थे। तो भारतीय जो संख्याकन पद्धति थी उसके आधार पे हमने क्वेश्चन कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था बच्चों। अब हम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो संख्याकन पद्धति है उसके आधार पे करेंगे। तो देखिए, एक बार हम इस चीज को अगर रिवाइज करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये आप देख पा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, ठीक है, और ये है इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्याकन पद्धति। तो इसमें कैसे लिखते हैं ये देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में हम जो प्लेस वैल्यू है उसको कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पे रिवाइज करने के पर्पज से बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे राइट से शुरू करते हैं हम, और वहां पे लिखेंगे हम वंस। क्या लिखेंगे? वंस, ओ एन ई एस, वंस। हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं। तो सबसे राइट में, एक्सट्रीम राइट में क्या आता है? वंस आता है। फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ हम चलते जाते हैं, उसके बाद आता है टेंस, फिर हंड्रेड्स आता है। टेंस मतलब दहाई, हंड्रेड्स मतलब सौ, थाउजेंड मतलब हजार, टेन थाउजेंड मतलब दस हजार, फिर लाख, फिर टेन लाख मतलब दस लाख, फिर करोड़, फिर टेन करोड़, इसी तरह आगे चलता जाता है। तो ये जो आपका कोई भी नंबर होगा उसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे 729 है, ठीक है, 729 है, तो 9 है वो क्या हो गया, वंस प्लेस पे लिखेंगे, फिर 2 को टेंस प्लेस पे यानी दहाई की जगह पे, 7 को हंड्रेड्स की जगह पे, ठीक है। ये इंडियन नंबर सिस्टम में आप कोई भी अंक हो गया, कोई भी संख्या होगी उसको दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, तो इसमें इस संख्या का कोई भी अंक है उसका स्थानीय मान आप बता सकते हैं। जैसे 3 है, वो किसके नीचे लिखा हुआ है, 10 लाख के नीचे, तो इसका स्थानीय मान 10 लाख हो जाता है। जैसे 5 के नीचे लिखा हुआ है, हजार के नीचे, तो इसका स्थानीय मान हजार हो जाता है इंडियन नंबर सिस्टम में, यानी भारतीय संख्याकन पद्धति में थाउजेंड हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम सीखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये हो जाता है बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा या सौ, फिर हजार और दस हजार। तो यहां तक
10,000 तक देखेंगे आप इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में ये चीज सेम होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 तक 10,000 तक जो भी स्थानीय मान है, स्थानीय मान बराबर होते हैं, सेम होते हैं। देखिए यहाँ भी हम इकाई वंश बोलते हैं, दहाई या टेंस, सौ या हंड्रेड, हजार या थाउजेंड, टेन थाउजेंड या 10,000। और जो इंडियन नंबर सिस्टम उसमें भी यही बोलते हैं, इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, यहां तक सेम है। लेकिन 10,000 के बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लाख, और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वहां पे लिखते हैं 100,000 यानी 100,000। फिर उसके बाद वहां पे हम कितना लिखते हैं, वहां पे 10 लाख लिखते हैं, 10 लाख यहाँ पे मिलियन हो जाता है। ठीक है, मतलब 10 लाख किसके बराबर होगा, एक मिलियन के बराबर होगा। क्लियर है, 10 लाख एक मिलियन के बराबर होगा। और फिर 10 लाख के बाद करोड़ आ जाता है, करोड़ किसके बराबर होगा, 10 मिलियन के बराबर, 10 मिलियन के बराबर। ठीक है, तो फिर करोड़ आ गया जो 10 मिलियन के बराबर होगा, और फिर 10 करोड़ आ गया जो 100 मिलियन के बराबर होगा। 100 मिलियन के बराबर कितना होगा, 100 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ होगा 100 मिलियन के बराबर। तो इसी तरह बच्चों आपको ये भी पता लग जाता है कि कौन सा जो स्थानीय मान है इंडियन नंबर सिस्टम में जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बराबर होगा, क्या होगा वो। तो इसी तरह हम जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसको कर सकते हैं, है ना, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इसमें अल्प विराम लगा के लिखना पड़ेगा, है ना। अल्प विराम कैसे लगाते हैं ये देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मैंने क्या बताया था बच्चों, अब हम दोनों चीज डिस्कस कर सकते हैं, है ना, दोनों चीज यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में भी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब कर रहे हैं तो पहले मैं वही बता देता हूँ, पहली संख्या है 7 8 9 2 1 0 9 2, यही है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से शुरू हो जाते हैं और 3 डिजिट छोड़ देते हैं, 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगा दिया, उसके बाद फिर से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर से 3 डिजिट छोड़ के, ऐसे 3-3 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगा देते हैं। तो ये हो गया अल्प विराम लगाना। ठीक है, हमने अल्प विराम लगा दिया, इसको कैसे बोलेंगे तो उसकी मदद से आप थोड़ा बेहतर इसको समझ पाएंगे। तो इसको हमें अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ये जैसे ये है, ये तो 92 है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, कितना है 92, तो इसको जो पूरे को हम लिखेंगे वो लिखेंगे 78,921,092। कैसे पता लगा, सवाल यही है ना भाई, कि कैसे पता लगा कि ये 78 मिलियन है, बिलियन है, क्या है, या फिर 10,000 है, 100,000 है, कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास स्थानीय मान थे उनको लिख लेते हैं, सबसे पहले वंस, फिर टेंस था, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, है ना, फिर 10,000, 10,000 के बाद क्या था 100,000, 100,000 के बाद क्या था मिलियन, फिर 10 मिलियन, यही था ना 10 मिलियन। तो यहां से हमें पता लगेगा, यहां से क्या पता लगेगा हमें, कि भाई जो ये बात की जा रही है ये है 10 मिलियन की। 10 मिलियन कितना होता है बच्चों, देखिए 1 2 3 ऐसे करके 9 तक तो सिर्फ मिलियन वाले उसमें आएंगे, स्लैब में आएंगे। ठीक है, 9 तक मिलियन वाले स्लैब में आएंगे, और 9 के बाद जो 10 11 12 99 तक क्या है 10 मिलियन वाले स्लैब में आ जाएंगे, किसमें 10 मिलियन वाले स्लैब में। ये चीज आप ध्यान रखें। तो जैसे ये क्या है 78 है, कितना है
78 है, तो ये 10 मिलियन बोलेंगे, इसको इसको मिलियन बोलेंगे, ऐसी तो बोलेंगे। तो क्या हो गया, 78 मिलियन इसको बोल सकते हैं हम, अठहत्तर मिलियन नौ सौ इक्कीस अठहत्तर मिलियन नौ सौ इक्कीस क्या लिखेंगे इसको, 921 हजार। अब ये हजार क्यों लिखा, ये चीज ध्यान दीजिए। देखिए 78 मिलियन आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक 10 मिलियन और मिलियन है, 7 को 10 मिलियन बोलेंगे और 8 को मिलियन, इसीलिए पूरा हो गया 78 मिलियन। अब 921 कैसे हुआ, ये हजार, ये 10 हजार और ये 100 हजार, इसीलिए हमने 921 हजार लिख दिया इकट्ठा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 92 है तो सीधा 92 लिख देंगे हम, और कुछ नहीं लिखना हमने, ये लिख देंगे 92। क्लियर है, तो ये हो गया बच्चों इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस तरह से लिख सकते हैं। इनके जो अल्प विराम है वो भी हमने लगाया है। अब बच्चों क्या करेंगे हम, इंडियन नंबर सिस्टम में एक बार इसको लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो क्या है, ये 7878921092। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है बच्चों, ये ध्यान देंगे, तो इंडियन नंबर सिस्टम में देखिए ये तो सेम होता है ना, ये सेम होता है, तो यहाँ पे तो 3 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्यों, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, वंस है यहाँ तक, टेंस 100, फिर यहाँ पे 1000 10000 और फिर 10000 10000 के बाद क्या आ जाता, लाख आ जाता है, लाख के बाद 10 लाख, ठीक है, फिर 10 लाख के बाद करोड़ आ जाता है, क्या आ जाता है, करोड़ आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए चीजें चेंज हो रही हैं, 1000 और 10000 सिर्फ यहाँ तक है, उसके बाद बदल गया, उसके बाद क्या आ गया, लाख में आ गया। तो इसीलिए दो ही डिजिट छोड़ के, दो ही अंक छोड़ के हम कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। फिर लाख और 10 लाख है, ये एक चीज होगी, इसीलिए फिर से हम दो अंक छोड़ के कॉमा लगा देंगे, उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ आएगा, फिर से दो अंक छोड़ के। तो स्टार्टिंग में जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें 3 अंक छोड़ के, उसके बाद दो दो अंक छोड़ के हम कॉमा लगाते रहते हैं। इसी तरह इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिख सकते हैं कि भाई 7 करोड़ 89 लाख 21 हजार 92, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो बच्चों देखिए दोनों चीजों में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको नोट डाउन करो, कहीं कोई डाउट है आपको पूछिए आप अपना डाउट। और बच्चों ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं इसके बाकी पार्ट्स, इनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसमें से एक पार्ट और हम यहाँ पे उठा लेते हैं, एक पार्ट और करते हैं, बाकी आप यहाँ पे खुद करेंगे, ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं हम, कौन सा यहाँ पे करना चाहिए हमें। तो थोड़ा सा मुझे इन सब से अलग ये लग रहा है, इसी को करते हैं, बी को। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमको लिखना है, अल्प विराम भी वैसे ही लगाने हैं, तो 3 3 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगा देंगे, फिर से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया। क्या लिख सकते हैं अब इसको, देखिए सबसे राइट लेफ्ट में कॉमा के बाद क्या है, 7 है ना, सिर्फ 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 मिलियन, सिर्फ 7 है तो 7 मिलियन ही आएगा, 7 मिलियन। सात मिलियन 400
7,452,000 7,452,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है 1,000, 10,000 और 100,000, इसलिए 452,000 इसको बोल सकते हैं। 452,000 के बाद क्या है? 283, तो इसको 283 ऐसे ही लिख देंगे, 283 इस तरह से इसको लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका एक पार्ट और, डी पार्ट हम देखते हैं। तीन तीन डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है? तीन तीन डिजिट छोड़ के डेसिमल हम यहाँ पे कोमा हम लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको देखिए, 48,000,000, शुरू में तो हम मिलियन ही बोलेंगे, 48,000,000, फिर क्या आ जाता है, 49,000, सिर्फ 49,000 है क्योंकि यहाँ पे जो 100,000 है उसकी जगह तो जीरो है, इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे 49,831। ये है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, जो बच गया है एक पार्ट वो आपके लिए छोड़ा है मैंने, ताकि आप होमवर्क में कर सको, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों यहाँ पे हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं अभी तक। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है फर्स्ट चैप्टर की। उम्मीद है अच्छे से आपने समझा है इसको और नोट डाउन किया है। तो बच्चों घर पे प्रैक्टिस जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।